खबर रीवा से। रीवा में आज राजनीति का गिरता हुआ स्वरूप सामने आया है। जिला पंचायत कार्यालय में आज गुटिया और दलगत राजनीति का घिनौना रूप देखने को मिला, जहां जिला पंचायत की उपाध्यक्ष विभा पटेल और कुछ सदस्यों ने जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा पर कई आरोप लगाए। वहीं जिला पंचायत सदस्य जयवीर सिंह और बाकी सदस्यों ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। बता दें कि जिला पंचायत रीवा में समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा द्वारा एक ही क्षेत्र में बार बार करोड़ों रुपए खर्च किए जाने का जिला पंचायत उपाध्यक्ष विभा पटेल, सदस्य जयवीर सिंह सेंगर सहित अन्य सदस्यों ने विरोध किया था। वहीं जिले में हो रहे दारू के व्यापार पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। वहीं एक क्षेत्र में बार बार करोड़ों खर्च ने सवाल किया तो जिला पंचायत अध्यक्ष ने जवाब दिया कि मैं सदस्यों की सहमति से करा हूं। अगर आप लोगों को आपत्ति हो तो आप आपत्ति दर्ज करा दीजिए, बाकी उससे होने वाला कुछ नहीं है। जिसके बाद हंगामा और विवाद की स्थिति नियमित हो गई है और अध्यक्ष अभय मिश्रा बैठक छोड़कर चले गए हैं। कुछ ही देर बाद जिला पंचायत में सैकड़ों गुंडे और असामाजिक तत्व एकत्रित हो गए। वहीं जब सभा से नीचे उतरे, जिला पंचायत सदस्य जयवीर सिंह ने नीचे देखा कि कितने लोग खड़े हैं, वजह क्या है। जब पूरे मामले का उनको पता चला तो वो बाकी सदस्यों को फोन कर बताने लगे, जिससे कई सदस्य जान बचाकर इधर उधर से निकल लिए। लेकिन उपाध्यक्ष विभा पटेल, सदस्य अविनाश शुक्ला, जयवीर सिंह सेंगर सहित कई अन्य सदस्य अंदर ही घिर गए, जिन्हें मुख्य कार्यपाल अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने किसी तरह उनके वाहनों में बैठा कर वहां से रवाना किया। जिसके बाद उपाध्यक्ष विभा पटेल सहित अधिकांश सदस्य कलेक्टर इलिया राजा टी और नवागत पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने से मिलकर सारे घटनाक्रम से अवगत कराया था। इसके बाद उपाध्यक्ष विभा पटेल, सदस्य जयवीर सिंह सेंगर और सदस्य अविनाश शुक्ला ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया, जहां सभी ने जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा पर गुंडे बुलाकर हमला करवाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। सदस्य अविनाश शुक्ला ने तो अभय मिश्रा पर पूरे जिले में अवैध शराब की बिक्री करने का आरोप लगाया। वहीं जिला पंचायत सदस्य और देवतालाब विधानसभा के उम्मीदवार रहे जयवीर सिंह सेंगर ने सीधे सीधे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम पर उनकी हत्या करवाने का प्रयास करने और अभय मिश्रा को पूरा संरक्षण देने तथा शराब माफिया को मदद करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जान की रक्षा करने की गुहार लगाई। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष को उनके पद से हटाने की मांग भी मुख्यमंत्री से कर डाली। मैं मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम का जो बुक है उसको 90% कंसस्ट करके रखा हूँ। 90% गलत बोलूंगी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, हम 6 साल से लड़ रहे हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम इसमें सक्सेस नहीं हुए। हम हमेशा चाहते थे कि जिला पंचायत बैठक होना है, उसके जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं इंजीनियर जयवीर सिंह, जिला पंचायत के वरिष्ठ सदस्य हैं प्रीतम सिंह जी, जिला पंचायत के सदस्य हैं अशोक सिंह जी, जिला पंचायत के सदस्य हैं और ब्रजेश सिंह जी, जिला पंचायत के सदस्य हैं। आज हम लोगों के समीक्षा बैठक थी, इसके बाद हम लोगों ने अपनी बात को रखा। जिला पंचायत में जो भी क्षेत्र के विकास, क्षेत्र की प्रगति और क्षेत्र के मुद्दों को अपनी बातें रखी, और इसके पहले जिला पंचायत के अध्यक्ष अभय मिश्रा जी ने 4 करोड़ रुपए बसामन मामा एनी कट के लिए और 2 करोड़ रुपये कौवा धान के। जिला पंचायत सदस्य अविनाश शुक्ला हैं, तराई अंचल से आते हैं और जवा जनपद है हमारा, और सिरमौर विधानसभा क्षेत्र जो जिन क्षेत्रों से हमने जीता वो सिरमौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है, और हम सभी लोगों ने अपनी बात रखी। इसके बाद में हमारे इंजीनियर जयवीर सिंह बाहर निकले वहाँ से, तो पता चला कि आपके ड्राइवर से गुंडे बोल रहे थे वहाँ पे बदमाश कि आज तो तांडव होगा यहाँ पे, तो जयवीर सिंह जी को बताया इनके ड्राइवर ने कि आज यहाँ पे गुंडा ममाली आए हैं और तांडव करने की बात कर रहे हैं। जयवीर सिंह जी ने हमको फोन लगाया, विभा जी को बताया, फिर हम लोग सीओ के पास गए कि ये बताइए जनतंत्र और लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है, हम लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं और हमने यदि अपनी बात रखी, अपने क्षेत्र के प्रगति और विकास के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं,
तो जिला पंचायत अध्यक्ष का ये क्या दायित्व तो बनता है कि हम लोगों को गुंडे से हमले कराए? यदि हमला कराना है तो हम लोगों को खुद ही बता दे कि यदि तुम लोग मांग करोगे तो हमला करा। समीक्षा बैठक थी और समीक्षा बैठक में क्षेत्रों की बात होने लगी तो कुछ परफॉर्मेंस ग्रांट का पैसा आया था जो पिछले बार भी आया तो 4 करोड़ अध्यक्ष जी ने अपने ही क्षेत्र बसामन मामा में निकट के लिए दे दिए थे, तब भी हमने विरोध किया था तो उन्होंने यही कह के टाल दिया कि हमारे कुछ सदस्य हैं 17 सदस्य उनके द्वारा मैंने प्रस्ताव पारित करा लिया है, आप विरोध करिए तो आप बस का विरोध मैं लिखवा देता हूँ लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मैंने विरोध किया था उस समय भी, ये अध्यक्ष जी अमित मिश्रा जी ने माननीय विवेक पटेल जी जिला पंचायत के सदस्य है। ये दुर्भाग्य है कि रीवा का कि आज जिला पंचायत की समीक्षा बैठक जो 2 वर्षों से लगातार जिला नहीं हो रही है, कोरोना का मुद्दा था, बिजली का मुद्दा था, ट्रांसफार्मर का मुद्दा था और नशा का विरोध में मुद्दा, ये सब एजेंडे में आना चाहिए लेकिन 2 साल में अभय मिश्रा जी किसी भी विषय पर मीटिंग नहीं बुलाते जो जनहित के मुद्दे होते हैं। आज समीक्षा बैठक में अचानक हम लोग पहुंचे।